हाय एवरीवन, वेलकम टू नीतूज किचन स्टोरीज। उस दिन मैंने एक मसाला वीडियो शूट किया था। दिस इज द मुल्तानी मसाला। नाउ लेट्स पुट इट टू अ गुड यूज। आज हम बनाएंगे मुल्तानी छोले। इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये है टू स्मॉल अनियंस, चार पांच कलियां लहसुन की और एक इंच अदरक का पेस्ट है। ये टू लार्ज टोमेटोज ग्राइंडेड। ये है हाफ अ टीस्पून भुना जीरा पाउडर, वन टीस्पून धनिया पाउडर एंड हाफ अ टीस्पून देगी मिर्च। और आज मैं ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। आई हैव टेकन 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल को गरम कीजिए। वी विल ऐड जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर। धनिया पाउडर। और जैसे ही ये थोड़ा सा गरम हुए हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। एक कप छोले को ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग में उसको नमक डाल के एक मोटी इलायची के साथ आप बॉईल कर लीजिए। 5-7 मिनट में प्याज भुन जाएंगे। और अब हम टोमेटो ऐड करेंगे। And salt to taste. Be careful because छोले में भी नमक है। और इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। ये भून रहा है अच्छे से। It will take 5 to 7 minutes to saute this. ये छोले बिल्कुल भी हैवी नहीं लगते खाने में। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, कुलचे के साथ खा सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे देगी मिर्च। थोड़ा सा धनिया। एंड 2 स्पून्स ऑफ मुल्तानी मसाला। इसकी अगर आपने रेसिपी अभी तक चेक नहीं की है, डू चेक इट आउट। ये हम डालेंगे 2 स्पून्स ऑफ मुल्तानी मसाला। मिक्स करेंगे और अब हम डाल देंगे इसमें बॉइल्ड छोले। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये ग्रेवी से कोट हो जाए। छोले अच्छे से मसाले में कोट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। अगर आपको रोटी के साथ खाना है या चावल के साथ खाना है तो यू कैन कीप द कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंगली एंड पोर वाटर अकॉर्डिंगली। More water. इसको सिम पे अभी थोड़ी देर कुक होने दीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू सर्व दिस। सॉल्ट, मसाले सब इसी स्टेज पे चेक कर लीजिए एंड अब हम सर्व करेंगे। द टेस्ट ऑफ मुल्तानी मसाला इन दीज छोले और जस्ट ऑसम। यू नीड टू ट्राई इट टू एक्सपीरियंस इट। नाउ वी आर गोइंग टू सर्व द छोले। और अब हम इसको गार्निश करेंगे।